दोस्तों नमस्कार। टीवी वन इंडिया के खास बुलेटिन खबर दिन भर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश में बेकाबू कोरोना से मचे कोहराम के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के नाम संदेश दिया। हालांकि इस पर विपक्षी पार्टियां हमलावर हो गई हैं। विपक्षी दलों ने पीएम के कोरोना पर दिए भाषण की निंदा करते हुए कहा है कि देश को इस वक्त आपके भाषण की नहीं ऑक्सीजन की जरूरत है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 8वीं बार देश को संबोधित करते हुए 19 मिनट तक भाषण दिया था। पीएम ने इस दौरान जनता को लॉकडाउन से आगाह करते हुए कहा था कि यदि कोरोना से लापरवाही हुई तो देश में और भी मुसीबत बढ़ेगी। इस पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी तंज कसा कि लोग मर रहे हैं और पीएम रैली और प्रचार कर रहे हैं। महाराष्ट्र के नासिक में एक अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई रुकने से 22 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। घटना नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल की है। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि अस्पताल में पहले ऑक्सीजन का वाल्व खुला रह गया था, जिसे बंद करने के चक्कर में वेंटिलेटर वाले मरीजों की भी ऑक्सीजन सप्लाई ठप हो गई। इससे 22 मरीजों ने तड़प कर दम तोड़ दिया। इस दौरान वेंटिलेटर पर कुल 23 मरीज मौजूद थे। इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जांच के आदेश दिए हैं और मरने वालों के लिए 5-5 लाख रुपयों का मुआवजा घोषित किया है। यूपी के गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को क्लीन चिट दे दी है। कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए रिटायर्ड जस्टिस बीएस चौहान की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की समिति गठित की थी, जिसने अपनी रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश पुलिस को क्लीन चिट दी है। कमेटी ने कहा कि यूपी पुलिस के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। बता दें कि कई पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद फरार विकास दुबे मध्य प्रदेश के उज्जैन में पकड़ा गया था, लेकिन एमपी से यूपी जाते समय गाड़ी पलट गई और भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया था। इसे साजिश बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ने आज अपनी कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की कीमत का खुलासा कर दिया। इंस्टीट्यूट ने लेटर जारी कर यह जानकारी दी है। फिलहाल सीरम का कोविशील्ड केंद्र सरकार को 150 रुपये में मिलेगी, महाराष्ट्र सरकार को 400 रुपये में, जबकि प्राइवेट अस्पतालों को 600 रुपये में कोविशील्ड उपलब्ध होगी। दरअसल 1 मई से देश में 18 साल से ऊपर के सभी युवाओं और नागरिकों को कोरोना वैक्सीन लगाने की मंजूरी दी गई है। जाहिर है सरकारी अस्पतालों के साथ ही प्राइवेट अस्पतालों में भी वैक्सीनेशन के लिए भीड़ लगेगी। सरकार की छूट और मंजूरियों के बाद सीरम इंस्टीट्यूट ने अपना यह रेट जाहिर किया है। हरियाणा में कोविड के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर खट्टर सरकार ने ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया है। प्रदेश के सभी स्कूलों में इस बार 22 अप्रैल से 31 मई तक ग्रीष्मकालीन छुट्टियां रहेंगी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने आज इसकी घोषणा की। दरअसल कोरोना केस बढ़ने पर स्कूलों में 30 अप्रैल तक सरकार ने पहले से ही 12वीं के विद्यार्थियों की छुट्टियां कर रखी हैं। जाहिर है 2021 का शिक्षा सत्र भी कोरोना संक्रमण की भेंट चढ़ चुका है। एग्जाम से पहले ही ग्रीष्मकालीन छुट्टियां मिल गई हैं। जाहिर है अब हालात ठीक रहे तो जून में ही नए सिरे से स्कूल खुल सकेंगे। महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने राज्य में कोरोना महामारी को देखते हुए 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। वहीं 12वीं की परीक्षाओं को मई के अंत में कराने की तैयारी है। बता दें कि इसी महीने अप्रैल की 23 अप्रैल से 10वीं की, जबकि 29 अप्रैल से 12वीं स्टेट बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली थी, लेकिन कोरोना के बेतहाशा बढ़ते मामलों और खराब हो रही हालत के मद्देनजर राज्य सरकार ने बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया। माना जा रहा है कि 12वीं की परीक्षाएं भी रद्द हो सकती हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए सभी पर्व त्योहारों और उत्सवों के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया है। 25 अप्रैल के महावीर जयंती उत्सव के लिए सरकार ने विशेष गाइडलाइन जारी की है। नए निर्देश के मुताबिक महावीर जयंती पर किसी भी मंदिर में भजन कीर्तन पठन अथवा धार्मिक सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम सार्वजनिक रूप से आयोजित नहीं हो सकेंगे। प्रभात फेरी या जुलूस निकालने की भी मनाही है। मंदिर व्यवस्थापक फेसबुक वेबसाइट या केबल नेटवर्क के जरिए भक्तों के लिए ऑनलाइन दर्शन का इंतजाम कर सकते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने आज कहा कि यदि रामायण सर्किट तैयार होता है तो इससे युवाओं को रोजगार और संस्कार दोनों का लाभ मिलेगा। राज्यपाल ने यह प्रतिपादन केंद्रीय अधिकारी डॉक्टर अनंत दुबे की लिखित किताब राम रामायण तीर्थाटन के आयाम का वर्चुअल लोकार्पण अवसर पर व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रभु राम की तरह रामायण संस्कृति
विश्वव्यापक है और नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया, कंबोडिया समेत अनेक देशों में इस संस्कृति के चिन्ह आज भी मौजूद हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि यदि रामायण संस्कृति का जतन करने वाले इन देशों को जोड़कर रामायण सर्किट तैयार होता है तो इससे रोजगार निर्मित होगा और युवा पीढ़ी को नई प्रेरणा भी मिलेगी। महाराष्ट्र के अनुसूचित जनजाति के 100 विद्यार्थी अब प्राइवेट संस्थाओं से भी यूपीएससी की तैयारी कर सकेंगे। राज्य के आदिवासी विकास मंत्री एडवोकेट केसी पाड़वी ने आज इसकी जानकारी देते हुए कहा कि अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को केंद्रीय लोक सेवा आयोग के नागरी सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए नामचीन प्राइवेट संस्थाओं से प्रशिक्षण का अवसर दिया गया है। एंट्रेंस एग्जाम से लेकर इंटरव्यू तक सभी चरणों का प्रशिक्षण दिलाने के लिए राज्य सरकार ने यह नई योजना लागू की है। विद्यार्थियों का चयन आवेदन के बाद होगा। दिल्ली के प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण लेने वाले विद्यार्थियों को 12,000 की छात्रवृत्ति, किताबों के लिए 14,000 की रकम और आने जाने का किराया मिलेगा। वहीं महाराष्ट्र के संस्थानों में प्रशिक्षण लेने वाले विद्यार्थियों के लिए 8,000 की मासिक स्कॉलरशिप मिलेगी। मंत्री ने इसका लाभ उठाने का आह्वान किया है। नवी मुंबई मनपा ने आज कोविड केयर सेंटर में नियुक्त चिकित्सा कर्मियों के लिए वेब चर्चा का आयोजन किया। आयुक्त अभिजीत बांगर की पहल पर आयोजित इस वेब चर्चा में रिलायंस हॉस्पिटल के प्रमुख डॉक्टर भारत जग्यासी ने कोरोना संक्रमण और उपचार व्यवस्था के संदर्भ में उपाय सुझाए। इसमें रेमडेसिविर किस रोगी को देना जरूरी है, स्टेरॉयड का उपयोग किस दौरान करना ज़्यादा असरदार है, बिना कोविड लक्षण वाले या बेहद सौम्य लक्षण वाले कोरोना संक्रमितों की उपचार पद्धति क्या और कैसी होनी चाहिए, ICU बेड का टर्न अराउंड टाइम कैसे कम करें, ऑक्सीजन वाले मरीजों को वेंटिलेटर तक जाने से रोकने, बेहतर इलाज कैसे मिले, इन सब विषयों पर भी गहन विचार मंथन हुआ। आयुक्त ने माना कि इससे चिकित्सा कर्मियों को प्रेरणा मिलेगी। नवी मुंबई में अब ऐसे कोरोना मरीजों को औषधि किट मिलेगी जो होम आइसोलेशन में है। बीजेपी विधायक गणेश नाइक की मांग के बाद नवी मुंबई मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर ने होम आइसोलेटेड मरीजों के लिए ऑनलाइन कंसल्टेंसी और कोरोना से बचाव के लिए औषधीय किट उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया है। दरअसल नवी मुंबई में जान गंवाने वाले कोरोना मरीजों में 80% ऐसे लोग हैं जो संक्रमित होने के बाद भी घर में खुद को आइसोलेट करके रखते हैं और जब हालत सीरियस हो जाती है तब वेंटिलेटर की तलाश करते हैं। गणेश नाइक की मांग के बाद अब ऐसे मरीजों को बचाने, जरूरी जागरूकता बढ़ाने के साथ ही इन्हें प्रिवेंटिव औषधियों की किट उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। आज के बुलेटिन खबर दिन भर में मेरे साथ इतना ही। दीजिए हमें इजाजत, लेकिन बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV1 इंडिया लाइव। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।